तो भैया ने ये सारी गेम्स निकाल के दी गिफ्ट में मुझे लगभग 40 से ज्यादा प्ले स्टेशन की डिस्क आई। हे व्हाट इज अप गाइस, दिस इज अनमोल बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। एंड गाइस, आप में से काफी लोगों को पता होगा कि मैं पंजाब में आया हूँ और यहाँ पे एक सिटी है मुक्सर के नाम से, जहाँ मेरी नानी रहती है और बचपन में मैं काफी ज्यादा यहाँ पे रहता था। और इस टाइम पर जहाँ पे मैं जिस शॉप पे बैठा हुआ हूँ, यहाँ से ही मैंने अपनी गेमिंग की स्टार्ट करी थी। तो ये बेसिकली उस टाइम का काफी फेमस जो था वो गेमिंग सेंटर या गेमिंग पार्लर हुआ करता था। तो ये भैया ओनर है यहाँ के, तो पहले भैया से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कब से मतलब ये शॉप चला रहे हैं और मेरी कुछ मेमोरीज के बारे में बात करते हैं कि मैंने पहली गेम कौन सी खेली थी। कब से शुरू कर रहा हूँ? 1997। तो पहली गेम आपने कौन सी लगाई थी? पहले जो सेगा से पहले वो 8 बीट चलती थी, फिर 16 बीट, फिर PlayStation 1, फिर PlayStation 2। तो आपको याद है मैं मतलब कब आया था? क्योंकि सबसे पहले मैंने इसी शॉप पे पहली बार जो थी वो गेमिंग देखी थी, मतलब खेलना स्टार्ट किया था। तो ईयर याद है आपको कब से होगा वो? 2004 था। 2004 मतलब अभी 18 चल रहा है, आज से 14 साल पहले। तो मैं अभी 20 साल का हूँ, तो लगभग मैं उस वक्त 5 या 6 साल का हुआ करता था। तो आया था मैंने, मतलब कौन सी गेम आपके हिसाब से खेली थी मैंने सबसे पहले? PS2 में खेली होगी। PS2 में वाई सी टी सबसे पहले मैंने इनके पास खेली। उसके अलावा इनके पास सेगा थी उस टाइम पे, और वो स्पाइडरमैन चलती थी उसमें, काफी ज्यादा फेमस थी स्पाइडरमैन उस टाइम की, तो मुझे वो याद है मैंने यहाँ पे खेली थी। उसके बाद भैया के पास PS1 थी, पेप्सी मैन और एक मुस्तफ़ा आती थी। मुस्तफ़ा तो खैर मैंने कई और खेली उसके बाद, लेकिन पेप्सी मैन भैया के पास काफी ज्यादा खेली थी मैंने उस टाइम पे। बाकी गेमिंग की शुरुआत मेरी यहीं से हुई है जैसे कि याद है। और इसके अलावा कुछ याद है आपको मैं कौन कौन सी गेम्स खेलता था यहाँ पे? नहीं, ज्यादा तो वाई सी टी खेलता था तू, वो भी क्लब में जाता था। हाँ, क्लब में, मेलबू क्लब। तो उसके बाद मैं यहाँ से जब पंजाब से गुड़गांव वापस गया, तो वहाँ पे मैंने एक दो गेम शॉप ढूंढी, तो वहाँ से मैंने खेलना शुरू कर दिया। तो 1.5 साल के बाद मैं वापस जब आया, तो उस वक्त सेलेंड्रियाज भी आ चुकी थी। 2005 के आसपास की बात है। तो फिर सेलेंड्रियाज आ गई थी, तो मैं वही खेलता रहता था। फिर ब्रेन लारा थोड़े साल बाद आई, उसके बाद वो खेलने लग गए। तो ऐसे ही बस स्टार्ट हुआ वहाँ से, और अब आप देख सकते हो काफ़ी सारी गेम्स खेल चुका हूँ मैं आज तक। इसके अलावा मैं कल आया था यहाँ पे भैया की शॉप पे, तो मैं वैसे ही हम बात कर रहे थे दोनों भैया और मैं, तो मैंने कहा कि वहाँ पे PlayStation 1 की मैं सीडीज ढूंढ रहा था, पेप्सी मैन खेलने का काफ़ी मन था। तो मैंने पूरी दिल्ली में ढूंढ लिया सारी मार्केट्स में, लेकिन पेप्सी मैन की मुझे सीडीज मिली नहीं। तो भैया उस वक्त कहते, तो इसमें चिंता क्या कर रहा है, मैं अपना जो कलेक्शन है वो दिखाता हूँ, उसमें मिल जाती तो तू ले जाइयो। तो भैया ने अपनी सारी सीडीज निकाल ली इतनी सारी, और वो मेरे को कहा कि तू ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिखाता हूँ मैं भैया ने कौन कौन सी गेम्स यहाँ पे दिखाई। तो भैया ने ये सारी गेम्स निकाल के दी गिफ्ट में मुझे, लगभग 40 से ज़्यादा प्ले स्टेशन की डिस्क है ये, और उस टाइम के काफ़ी बढ़िया बढ़िया टाइटल्स है ये, मतलब जितने फेमस हुआ करते थे। तो मेरे को तो मेन ये चाहिए थी, ये पेप्सी मैन थी। तो वैसे तो नाम इसका था ड्रिंक, पर हम इसे पेप्सी मैन कहते थे। आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर पता है। और ये सारी गेम्स अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन सी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ, मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो भैया आपको मतलब कितना टाइम लग गया होगा ये कलेक्शन करने में? पूरा टाइम तो काफ़ी लग गया। और इसके अलावा भैया बता रहे थे कि इसके अलावा भी और काफी सारी सीडीज थी जो इन्होंने फेंकी अभी थोड़े टाइम। 200-300 सीडी होंगी, मैंने मतलब 200-300 प्ले स्टेशन 1 की सीडी इन्होंने फेंकी, और ये सही सही जो थी वर्किंग कंडीशन में वो इन्होंने रख रखी थी डंपिंग जोन में। वही मतलब। तो ये 40-50 सीडीज है, तो ये तो सारी चलती है भैया ने बताया। तो पेप्सी मैन की वीडियो मैं जरूर लाऊंगा, क्योंकि मेरा भी काफी टाइम से मन था ये खेलने का। और इसके अलावा भैया ने काफी सारी मतलब PS2 की भी सीडीज वगैरह इकट्ठी करके रखी हुई थी ना उस टाइम पे? हाँ, वो भी थी, लेकिन अब तो कम ही चलती हैं। अब हार्ड डिस्क के थ्रू ही के थ्रू अब चल रही हैं ज़्यादा, तो इसलिए वो छोड़ दी मैंने। तो वैसे आप बताओ कि मैं जब उस टाइम पे आता था, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब भीड़ रहती थी, नंबर लगवाना पड़ता था। तो अब आप क्या सोचते हो, मतलब घरों में जब से लोगों ने कंप्यूटर अपने ये खुद की गेमिंग ले लिया, तो काम का मतलब कितना वो है? काम तो अब बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि जब तक इंटरनेट नहीं था, गेम्स नहीं थे, जो फ़ोन आए हैं मोबाइल फ़ोन, उसके बाद काम कम हो गया। मतलब जब से लोगों ने PC लैपटॉप लेना शुरू किया, तो गेमिंग पार्लर का काम कम सही हो? हाँ, पहले तो बहुत रश होता था यहाँ पे। हाँ, मेरे को याद है मैं उस टाइम पे आता था, मेरे को नंबर लगवा के जाना पड़ता था। वो 12 बजे शॉप बंद होती थी, वो भी कहना पड़ता था भी चले जाओ अब, बच्चों सुबह आना। सही बात कह रहे भैया, मेरे को याद अच्छी तरह से, भीड़ काफी ज्यादा हुआ करती थी। मैं तो खैर भैया मेरे को जानते थे अच्छे तरह से, मेरा नंबर लगा के रखते थे अलग से, तो आता था मैं खेलता था। एक बंटा आती थी यहाँ पे 5 रुपए की, तो ये पी के, और इसके अलावा कुलचे बनाते थे भैया काफी टेस्टी, अभी भी बनाते हैं। तो लगभग 15-20 तो कुलचे मैं खा लेता था रोज के आराम से, और वो खा के और गेम खेल के ही पूरा दिन निकल जाता था, जितना भी टाइम मैं नानी के घर आता था यहाँ पर। और अभी भी मतलब जब भी आता हूँ मैं जरूर आता हूँ। तो कैसा लगता है भैया मैं आपसे मिलने आता हूँ जब भी यहाँ पे आके? पुरानी यादें ताजा हो जाती है। मेरी भी सेम यही है, और इस बार तो गेम्स मिल गई इतनी सारी, खैर क्योंकि पेप्सी मैन की जरूरत थी, मतलब मन कर रहा था काफी टाइम से। तो एड्रेस थोड़ा सा भैया बता दो, वैसे तो यहाँ का कोई होगा नहीं मेरे हिसाब से, पर फिर भी बता दो अगर आना चाहे कोई कभी मिलने तो। बस आपने बता तो दिया, मुक्सर में है, गोड़ियापुरा स्ट्रीट। अच्छा, गेम पॉइंट।
ठीक है, वैसे लोकेशन का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, कभी अगर कोई है मुक्सर के आसपास आना चाहे भैया से मिलना चाहे तो आ सकता है वो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, और इसका ज़रूर बताना गेमिंग कलेक्शन का जो भैया ने दिया उनकी मैं एक वीडियो बनाऊँ अलग से कि कौन कौन सी गेम्स है इसमें, काफ़ी जो फेमस टाइटल थे और मतलब लोगों के पास थे भी नहीं वो भी भैया ने कलेक्ट करके रख रखे। तो कहाँ कहाँ से लाते थे भैया आप, मतलब कहाँ से मिल जाते थे आपको? बस ढूंढने पड़ते थे वही, मतलब तो इतना अच्छा कलेक्शन दिया भैया ने, उसके लिए थैंक यू भैया को। भैया शर्मा रहे हैं थोड़े से, तो भैया कह रहे तू खुद ही कर ले, भैया पहले कह रहे तू खुद ही कर लियो मैं नहीं आऊँगा बीच में, अब कह रहे भैया एडिट कर दियो। चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना पेप्सी मैन की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका, बाय बाय।